हेलो रोब्लॉक्स प्लेयर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो देखो भाई, मैं आज खेल रहा हूँ ब्लॉक्स फ्रूट और आज मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा। मैंने पिछली बार भाई मैंने क्या जरा सा खेल दिया जीपीओ, तुम लोग बोलने लगे कि वो पीसी में चलता है, मोबाइल वालों के लिए क्या। तो इसीलिए मैं खेल रहा हूँ ब्लॉक्स फ्रूट क्योंकि ये दोनों में चलता है, पीसी और मोबाइल दोनों में। और उसके साथ साथ ये रोब्लॉक्स का सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो भाई ये एकदम मज़ेदार गेम है, मैंने इसे बहुत देर खेला और मुझे मज़ा आ गया इसे खेल के। सो गाइज, आपको ये गेम कैसे खेलना है शुरुआत में वो मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जब इस गेम में नया आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। सो अगर आप इस गेम में पहली बार आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेस्ट, और यहाँ पे जाके क्वेस्ट करना होगा कंप्लीट। तो हमें पहले बैंडिट्स को मारना है, 5 बैंडिट्स को, और उसके बदले हमें कुछ पैसे मिलेंगे और कुछ एक्सपी मिलेगा जिससे हमारा लेवल बढ़ेगा। तो आपको शुरू में कॉम्बैट स्टाइल मिलेगा, आप उसे सेलेक्ट करके आप इससे फाइट कर सकते हैं ये इस तरह से। तो इससे फाइट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे को कम लग रहा है। ओह माय गॉड, देखो मेरे को चोट भी लग आ रही है, तो मेरे को कम टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पावर है, तो इसलिए मैं उन्हें आसानी से मार दे रहा हूँ। आप इस सब को एक जगह अपने साथ ला सकते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मैं तीनों को एक साथ ले आके और तीनों को मार सकता हूँ आराम से। लेकिन आप शुरुआत में एक एक करके मारना। तो मैंने 5 बैंडिट्स मार दिए, और मारने के बाद आपको कुछ मिलेंगे पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को आपको करना क्या है। सो उसके लिए आपको मेनू पे क्लिक करना होगा, और स्टैट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मिली है। तो सबसे पहले आपको सारे पॉइंट्स मिली और डिफेंस में देने होंगे, तो आप ज़्यादा पॉइंट्स मिली में देना और थोड़ा कम डिफेंस में दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ब्लॉक्स फ्रूट, ये आपके पास नहीं होगा तो उसमें पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं है। स्वॉर्ड में भी पॉइंट मत देना। लेवल 30 और 40 के बाद हम लोग स्वॉर्ड और ब्लॉक्स फ्रूट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिस्क पे जाना और उसे एक्सेप्ट कर लेना, ताकि आप जब भी मरो तो इस आइलैंड पे स्पॉन हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इस आइलैंड पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो मेरे पास जैसे एक कटाना है तो मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से वापस भी ले सकता हूँ। हर आइलैंड पे आपको इस तरह का बॉक्स दिखेगा, तो ये देखो ये मुझे कुछ पैसे देता है। तो ये सिंपल वाला बॉक्स है, एक गोल्डन होता है, एक डायमंड, वो ज़्यादा पैसे देते हैं। सो यहाँ पे मैप दिख रहा है जिसमें बताता है कि आपको कितने लेवल पे किस आइलैंड पे जाना होगा। तो 15 लेवल करने के बाद आपको जंगल वाले आइलैंड पे जाना होगा, जिस तरफ मैं दिखा रहा हूँ। तो चलो लेके चलते हैं, वैसे बोट में बैठ जाते हैं। ओह, तो बोट कैसे लेना है वो तो मैंने बताया नहीं। तो यहाँ पर देखो, बोट डीलर होता है हर आइलैंड पर, लग्जरी बोट डीलर है ये, इससे नहीं लेना है। एक बोट डीलर होता है, उस पर आपको क्लिक करके आपको बोट ख़रीदना होता है, फ्री का भी मिलता है और कुछ पैसे के भी मिलते हैं। तो अभी हम लोग को जब लेवल 15 हो जाएगा यहाँ पे, तब आपको जाना होगा जंगल में। यहाँ पे देखो मंकी आइलैंड भी उसको बोलते हैं, तो हमें वहाँ जाना है, वो सामने हमारा डिस्टिनेशन है। तो 15 लेवल के बाद ही जाना भाई, ताकि आपके पास इतने ज़्यादा स्टैट हो मिली में कि आप हिट करें तो मंकी मर पाए, नहीं तो उन्हें कुछ नहीं होगा और आपका चटनी निकल जाएगा। सो देखो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस आइलैंड के पास, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आके अगर मार सकता है मुझे, तो मैं यहीं पे बार बार स्पॉन हो पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर बड़े ख़तरनाक हैं, वो आपको मार देते हैं आके। सो यहाँ पे एक इंडियन मिला है, ओ मी इंडियन टू, भाई ये मेरे को ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। सो आपको इस आइलैंड पे आना है, और इस आइलैंड के आने के बाद यहाँ पे 3 क्वेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको मंकी को मारना है, उसके बाद आपको शायद गुरिल्लास को मारना है, और उसके बाद लास्ट में आपको गुरिल्ला किंग को मारना है। तो सबसे पहले मैं मंकी को एक्सेप्ट करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। देखो शुरू में ही आपको ब्लॉक्स फ्रूट लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई लोग अगर आप ऐसे खेलोगे कॉम्बैट स्टाइल,
तो आपको डैश करना आएगा, आपको कैसे मूवमेंट करना है इस गेम में वो समझ में आएगा। तो शुरू में ही ब्लॉक्स फ्रूट लेने का कोई मतलब है नहीं। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फाइटिंग स्टाइल आएगा कि कैसे लड़ना है, कैसे डैश करना है। सो इन मंकीज़ को मारने के बाद आपको गोरिल्लाज़ वाला क्वेस्ट करना होगा, और गोरिल्लाज़ को मारने के बाद आपको गोरिल्ला किंग को मारना होगा। लेकिन गोरिल्ला किंग को मारने से पहले अगर आपको कोई ब्लॉक्स फ्रूट मिल जाता है तो आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपके पास 30,000 मिनिमम होगा तो आप यहाँ पे आके आराम से ले सकते हैं ब्लॉक्स फ्रूट। यहाँ पे एक डीलर है जो आपको ब्लॉक्स फ्रूट देता है, तो हर 2 घंटे के बाद ये आपको ब्लॉक्स फ्रूट देगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ओह माय गॉड, देखो ये मेरे को मार दिया। तो गाइज, आपको ये ब्लॉक्स फ्रूट यानी डेविल फ्रूट देगा, तो सबसे पहले इसे पे क्लिक करो। और ये क्या कह रहा है, हेलो आई एम ब्लॉक्स फ्रूट डीलर, उतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग। एक रैंडम फ्रूट देगा ये, मतलब आपको कोई भी फ्रूट दे देगा, लेजेंडरी भी हो सकता है और सड़ा हुआ भी हो सकता है। तो गाइज, इसने जो मुझे फ्रूट दिया है वो है स्पाइक, जो कि बिल्कुल ही ख़राब फ्रूट है। लेकिन अगर आप पहली बार खेल रहे हैं और आपके पास है ही नहीं कोई भी फ्रूट, तो आप चख सकते हैं। तो चलो इसे दे देता हूं मैं। तो इसको हाथों में लेने के बाद आप क्लिक करिएगा, उसके बाद यहां पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूं। उसने ले लिया। ओह, अगर मुझे खाना होता तो मैं ईट पे क्लिक करता और उसके बाद मेरे अंदर स्पाइक फ्रूट की पावर आ जाती। सो इसी आइलैंड पे आपको गोरिल्लाज और गोरिल्ला किंग मिलेंगे, तो आपको ये सारे क्वेस्ट भी करने हैं ताकि आपका लेवल 30 हो जाए। जब तक आपका लेवल अगर 30 नहीं होता तो आपको इस आइलैंड से नहीं जाना है। इसी आइलैंड पे आपको फार्मिंग करनी है। ओह माय गॉड, कोई आके उसे मार रहा है, तो मैं इसे अपने ब्लॉक्स फ्रूट के पावर से मार रहा हूँ। अभी मेरा ब्लॉक्स फ्रूट रबड़ है, जो कि मुझे कैसे भी मिल गया था, तो मैं उसी का इस्तेमाल करके खेल रहा हूँ। ओके ओके, और भाई उसके पास तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फ्रूट है, वो एक ही बार में मार देगा उसे। ओके, कोई बात नहीं। सो गाइज, आई होप कि आपको लेवल 30 तक यहाँ पे खेलना आ गया होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि लेवल 30 से लेवल 100 तक क्या करना है। उसके बाद मेरे को लगता है कि आपको कोई ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब तक पूरा गेम समझ जाएंगे, जैसे मैं समझ चुका हूँ। देखो, मैं अभी लेवल 87 में हूँ और मेरे को ये पूरा गेम समझ में आ चुका है। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई फ़नी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, मैं बस ट्यूटोरियल टाइप की वीडियोज़ बनाऊँगा और सिंपली खेलूंगा, क्योंकि मैं अब फनी वीडियोस नहीं बना सकता। सो वाई लोग, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस लाऊं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।